Hello friends, welcome back to my channel. Hi. So friends, आज जो हम रेसिपी में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है वनीला आइसक्रीम और वो मैं मात्र 3 इंग्रेडिएंट के साथ बनाऊँगी वो आइसक्रीम। तो उसमें मैंने कंडेंस मिल्क का यूज़ किया है। अगर आपको कंडेंस मिल्क नहीं मिल पा रहा है तो आप उसके अंदर दूध, मिल्क पाउडर और शुगर पाउडर मिक्स करके भी कंडेंस मिल्क का की जगह पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आज जो आइसक्रीम बनाई है वो क्रीम के साथ और कंडेंस मिल्क और वनीला एसेंस के साथ बनाई है, केवल 3 इंग्रेडिएंट के साथ बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं आइसक्रीम बनाना और गर्मी को धूल भगाते हैं। ना आइसक्रीम खाओ क्या? तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। फ्रेंड्स, वनीला आइसक्रीम बनाने के लिए मात्र जो 3 इंग्रेडिएंट चाहिए हैं वो ये मैंने एक आइस का बाउल ले लिया है और दूसरा मैंने एक बाउल लिया है, इसके अंदर मैंने क्रीम डाल ली है। अब मैं इसको इसके अंदर शिफ्ट कर लूँगी क्योंकि वनीला आइसक्रीम बनाने के लिए जो हमें क्रीम चाहिए वो एकदम चिल्ड होनी चाहिए, तभी उससे अच्छी आइसक्रीम बन पाएगी। और ये कंडेंस्ड मिल्क मैंने ले लिया है जो कि मार्केट से मैंने परचेज़ किया है। इसको हम घर में भी बना सकते हैं पर मैंने अभी फ़िलहाल मार्केट से इसको परचेज़ किया है। और ये है वनीला एसेंस, ये मैंने 2 चम्मच ले लिया है तो इसको भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आइसक्रीम बनाना। मैं इसको इस तरीके से चलाऊँगी, इसको हैंड ग्राइंडर की हेल्प से ही हम बना सकते हैं। मैंने जो इसके नीचे बर्फ़ की क्यूब डाली हैं ताकि जो ये क्रीम है वो एकदम चिल्ड रहे, तो इसके अंदर मैंने ये दूसरा बर्तन डाला है, उसके अंदर मैंने मलाई डाली है और अब मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इसको मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको ग्राइंड करते हुए और ये देखिए जो क्रीम है कितनी फ्लफी हो गई है और जो जितनी भी हमारी क्रीम होती है उसकी डबल हो जानी चाहिए। ये देखो डबल हो गई है, जितनी मैंने ली थी उससे दुगनी हो गई है ये। तो इतना ही हमें इसको ग्राइंड करना है। ये देखिए कितनी फ्लफी हो गई है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें डाल दूँगी ये कंडेंस्ड मिल्क जो मैंने लिया है नेस्ले का, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी वनीला एसेंस। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो मैं दोबारा एक बार ग्राइंड कर लेती हूँ ताकि जो जितने भी इंग्रेडिएंट हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। अगर आपको कंडेंस्ड मिल्क नहीं मिल पा रहा है या फिर आप ढूंढ रहे हैं नहीं मिल रहा, तो उसकी जगह आप ये क्रीम के साथ थोड़ा इसमें आप दूध डाल सकते हैं और शुगर पाउडर डाल सकते हैं और मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, तो वो कंडेंस्ड मिल्क का काम कर देगा और उससे भी आइसक्रीम बहुत अच्छी बनेगी। फ्रेंड्स, ये मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है और अब मैं इसको इस कंटेनर में जो है डाल लूँगी। तो
तो ये मैं इस कंटेनर में डाल के इसको बंद करके रख देती हूँ। अब हम इसको 10 से 12 घंटे फ्रिजर में रख देंगे जमने के लिए, और उसके बाद देखेंगे कि हमारी आइसक्रीम कैसी बनी है। तो 10-12 घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आइसक्रीम कैसी बनी है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है। मैंने इसको 10 से 12 घंटे फ्रिज में रखा था। तो ये देखिए हमारी आइसक्रीम कैसे बनके तैयार हुई है, एकदम सेट हो गई है ये। अब मैं इसको सर्व करूँगी। तो ये मैंने ये गर्म पानी में इसको इस तरीके से मैं पहले डाल दूँगी ताकि थोड़ा ये सॉफ्ट हो जाए, और मैं इसको इस तरीके से निकालूँगी। तो मैं इस तरीके से सर्व कर लेती हूँ अब ये आइसक्रीम को। और अब हम इसको इसको चॉको सिरप से डेकोरेट कर देंगे, तो ये दिखने में और भी अच्छी लगेगी और खाने में भी अच्छी लगेगी। तो तैयार है हमारी वनीला आइसक्रीम। आप इसको इस तरीके से बना के खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल के जस्ट नीचे रेड कलर का बटन, उस पर क्लिक कर देंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा, और बराबर में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक आ सकें। तो मिलते हैं मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इस आइसक्रीम को इन्जॉय कीजिए, गर्मियों को दूर भगाइए, आइसक्रीम खाइए। सो बाय बाय।